क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह सवाल अहम है कि सिद्धू को अपनी पारी खेलने के लिए क्या नई टीम के बुलावे का इंतजार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई सिख ही होगा। इसके बाद सिद्धू का अपने अंदाज में ट्वीट आता है, तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। सिद्धू ने ये भी कहा कि विरोधी उनकी बातें बेहतर तरीके से समझते हैं और विरोधियों में वो आम आदमी पार्टी की ही बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा छोड़ने के बाद सिद्धू को आपने भी आमंत्रित किया था, लेकिन सिद्धू ने तब आपकी जगह अपने लिए कांग्रेस को चुना। वैसे भी सिद्धू अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच विवाद गहरा गया तो विरोधी दल शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को ऐसी मिस्ड गाइडेड मिसाइल बताते हुए कहा था जो नियंत्रण के बाहर है और वो अपने समेत किसी भी दिशा में टकरा सकती है। पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए सिद्धू अपने दोस्त और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर उनके आमंत्रण पर पाकिस्तान उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए और बयान दिया कि वो भारत के सद्भावना दूत के रूप में मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। सिद्धू ने फिर करतारपुर गलियारा परियोजना के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से गले भी मिले। जब इस बात का विरोध होने लगा तो सिद्धू ने सफाई दी कि यह झप्पी राफेल डील की तरह नियोजित नहीं थी, ये सब कुछ अचानक ही हुआ। सिद्धू ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी भाषण में कहा था, अगर स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सिद्धू कब क्या बोल जाएं, शायद इसका आभास उन्हें भी नहीं होता। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सिद्धू ने अपने बयान में कहा था, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे देश को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब इस बयान पर सिद्धू ट्रोल होने लगे तो सिद्धू ने ट्वीट कर कहा था कि लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है, भारतीय वायुसेना की जय हो। ये ट्वीट भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद आया। जब भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेजने का फैसला किया तब सिद्धू ने ट्वीट किया, इमरान खान हर अच्छा काम अपने आप रास्ता बना लेता है, आपका ये नेक काम 1 अरब लोगों को खुशी देगा, पूरा देश खुश है। इसके बाद अगले ट्वीट से सिद्धू फिर ट्रोल होने लगे, जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं, चाणक्य। सिद्धू ने ये ट्वीट किया और सिद्धू के इसी पाक प्रेम को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस हाईकमान को आगाह किया था कि ये प्रेम एक दिन मुसीबत बन जाएगा। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और सिद्धू कब क्या कर लें या बोल जाएं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। आपको बता दें कि सिद्धू भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ रहे थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को सिद्धू को कांग्रेस में लेने से मना किया था। वैसे सिद्धू के बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि अति महत्वाकांक्षा के चलते वे जिस पार्टी में होते हैं उनके निशाने पर उन्हीं की पार्टी के नेता होते हैं। जैसे सिद्धू जब भाजपा में थे तो भाजपा के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल या प्रकाश सिंह बादल उनके निशाने पर रहते थे। अब कांग्रेस में हैं तो कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू का 36 का आंकड़ा है। राजनीति में ही नहीं, क्रिकेट के मैदान में जब सिद्धू थे वहाँ भी वे अक्सर विवादों से घिरे रहते थे। जब 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तब अजहरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान थे और अजहर जब भी कोई निर्देश देते थे उनका लहजा सिद्धू को रास नहीं आता था। एक दिन वे नाराज होकर दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। बाद में अजहरुद्दीन और सिद्धू अच्छे दोस्त बन गए। क्रिकेट के ही दूसरे किस्से में जब भारतीय टीम विदेशी दौरे के दौरान इंग्लैंड में थी तो कैप्टन अजहरुद्दीन के कमरे में कपिल देव, मनोज प्रभाकर और अजहरुद्दीन फिल्म देख रहे थे। सिद्धू उस फिल्म को पहले ही देख चुके थे। सिद्धू ने कपिल देव से कहा, पाजी मैं दूसरी DVD ले जाता हूँ और अपने कमरे में देख लूंगा। मनोज प्रभाकर ने सिद्धू को डांटते हुए कहा, छूना मत। प्रभाकर सिद्धू के सीनियर थे सो सिद्धू चुपचाप बैठ गए। फिर कुछ देर बाद सिद्धू टेबल पर रखा रसगुल्ले का डिब्बा उठाने लगे तो प्रभाकर ने फिर सिद्धू को मना किया। तब
कहते हैं कि सिद्धू ने प्रभाकर को एक थप्पड़ जड़ दिया। सिद्धू सिर्फ अपने बयानों को लेकर ही नहीं विवादों में रहे, बल्कि अपने शॉल को लेकर भी विवादों में गिर गए थे। जालंधर जिले के शाहकोट गांव में जब वे किसानों से मिलने पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने जो शॉल ओढ़ रखा था उस पर खंडा साहेब की तस्वीर और ओमकार का चिन्ह बना हुआ था। इससे सिख समुदाय में काफी नाराजगी हुई। सिख समुदाय का कहना था कि गुरुवाणी को अगर कोई लकड़ी पर लिख देता है तो हम उसकी पूजा करते हैं। सिद्धू जैसे नामचीन शख्स को ये शोभा नहीं देता, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विवादों ने सिद्धू का राजनीति और क्रिकेट ही नहीं बल्कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी पीछा नहीं छोड़ा। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सिद्धू जब जज बने थे तो शो में परिणीति चोपड़ा बतौर गेस्ट थी। उस शो के दौरान सिद्धू ने ऐसा जोक सुना दिया जिसे अमर्यादित माना गया। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील HC अरोड़ा ने शिकायत दर्ज करा दी। आपको बता दें कि सिद्धू की भाजपा में एंट्री 2004 में अरुण जेटली ने कराई थी, लेकिन उन्होंने जेटली से ही रार ले ली। जेटली ने सिद्धू को चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली या करनाल की सीट ऑफर की क्योंकि जेटली स्वयं अमृतसर लड़ना चाहते थे, लेकिन सिद्धू अड़ गए कि वे अमृतसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। अब सिद्धू का भाजपा से मोह भंग हो चुका था और वे आप ज्वाइन करना चाहते थे, पर उनकी शर्त थी कि उन्हें CM का चेहरा बनाया जाए। जब आप में बात नहीं बनी तो 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू ने कांग्रेस में एंट्री ले ली और अभी चुनाव प्रचार खत्म ही नहीं हुआ था कि कैप्टन का नाम लिए बिना सवाल उठा दिया कि श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में आयोग की रिपोर्ट आने पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिद्धू को मनाने का बीड़ा उठाया है और पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें राजी कर लिया गया है, लेकिन कैप्टन का कहना है कि सिद्धू को संगठन का अनुभव नहीं। पर कांग्रेस हाईकमान पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई पर विराम लगाना चाहता है, इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सिद्धू को एक कम्फर्ट जोन देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव बिना किसी हिल हुज्जत के निकल जाए। पर सिद्धू भी इतनी देर चुप रहने वालों में नहीं है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।